ऐसे भी कृष्णा, आज मैं आई हूँ फिजियो थेरेपी कराने। मेरे बैग में बहुत ज़्यादा पेन है और सर्वाइकल भी बहुत बड़ा हुआ है, सब लोग जाते हैं तो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैं आई हूँ डॉक्टर विक्रम कुमार जी के यहाँ, तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब विक्रम कुमार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरे बैक में बहुत पेन है और सर्वाइकल हो जाना है। ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब बताएंगे कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है इधर, बताइए डॉक्टर साहब। क्योंकि सर्वाइकल पेन है काफ़ी दिनों से है, ट्रेवलिंग का इशू रहता है, पिलो भी मोटा है यूज़ करते हैं और थोड़ा सा बेबी को भी केयर करते हैं, तो उसकी वजह से इनको एक प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने दिल्ली भी बहुत दिखाया, यहाँ भी दिखाया, मुझे कहीं आराम नहीं आया। मुझे यहाँ से यहाँ पे आके बहुत संतुष्टि हुई क्योंकि ये मशीन कम यूज करते हैं, हाथों से एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर, आधा पौन घंटा ये एक्सरसाइज करते, उसी से रिलीफ मिलता है। बताइए डॉक्टर साहब। मैं क्या है, मैनुअल पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ रादर देन मोडलिटीज़, तो मशीनों से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। मोडलिटीज़ भी अपना वर्क करती हैं बट मैनुअल ज़्यादा वर्क करता है। तो मेरा, मैं एम्पिटी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं तो मोडलिटीज़ के कंपेरेटिवली मैनुअल पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और उसी को ही फॉलो करता हूँ। ये आपको कितने साल हो गए इधर? मैं को यहाँ पर 5 साल हो गए। अच्छा, वैसे मेरे को प्रैक्टिस करते हुए 12 इयर्स हो गए। मैं पहले बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में था, देन उसके बाद में शास्त्री नगर गोयल हॉस्पिटल है और वो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल है। नहीं, मुझे भी, मैंने दिल्ली कितनी जगह कराया, मुझे कम से कम 10 साल हो गए सर्वाइकल, मुझे आराम नहीं मिला जो मुझे यहाँ पे आके आराम मिला। हाँ, तो आप तो मेरे से काफी टाइम से जब भी प्रॉब्लम रहती है, पर आपका क्या है वो ट्रेवलिंग ज्यादा रहती है ना, दिल्ली जयपुर जयपुर दिल्ली। जो हम दिल्ली गए उसके बाद आने के बाद मुझे जो पेन हुआ बर्दाश्त से बाहर था। हाँ, वो तो अभी 2 दिन पहले की बात है जब आपको प्रॉब्लम थी, तो मुझे एक ही दिन में आराम मिल गया। सब गो इनकी मेहरबानी। जी, वो तो भगवान की कृपा है। चलिए आइए, दिखाइए आप अपने किस तरह से करते हैं। आओ आइए देखिए उनकी कश्मीर है, आप बताइए इनको आपको यहाँ पे कैसा रिलीफ मिलता है, कैसा क्या है, डॉक्टर साहब कैसे करते हैं? मुझे भी बहुत आराम है, जब से यहाँ आई थी ना सर्वाइकल में साइटी का भी था, उसमें भी आराम आया बहुत, तब से ऐसा विश्वास है, मैंने कहा ये ठीक है, दवाई से बेटर रहती है चीज़ें। दवाइयों की, दवाइयों से तो होता ही नहीं है, दवाइयों का आप कितनी भी खा लो दवाई से होता ही नहीं है। मैं मुझे तो जब से मैं दिल्ली से यहाँ पे आई हूँ, मुझे तो इनके सिवा कोई मतलब संतुष्टि होती ही नहीं कहीं भी, कितना भी दिखा लिया, दवाई दे के दिखा लिया सर्वाइकल, मतलब वैशाली में भी, जयपुर की वैशाली में भी, कहीं भी आराम नहीं मिला जो मुझे यहाँ एक ही दिन में आराम मिल जाता है। बताइए डॉक्टर साहब, ये आप, ये अपना टेंस मशीन है, ये हाइड्रोकोलेट्रल है और इसे अपन पेशेंट को पेन रिलीविंग के लिए ये लगाते हैं, पहले मैनुअल करते हैं देन मशीन लगाते हैं, देन हॉट पैक के लिए हॉट पैक यूज़ करते हैं हॉट के लिए, ताकि पेशेंट के मसल्स को रिलैक्सेशन मिल पाए। हमारी माता जी हैं, माता जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपको कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, आराम मिलता है यहाँ? और कहीं भी दिखाया आपने? नहीं दिखाया, कहीं नहीं दिखाया। तो ये डॉक्टर साहब अच्छा करते हैं, जो ये हाथों से एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं, जो और कहीं भी, मैं कितनी जगह जा चुकी मुझे कहीं भी आराम नहीं मिला, क्यों वहाँ जाते हैं वे सीधा मशीन ही लगा देते हैं, उनसे कुछ होते ही नहीं। हाँ जी, ये तो एक्सरसाइज ही तो सब कुछ है। डॉक्टर साहब बताइए, ये आपने इनको क्या लगाया हुआ है? ये टेंस लगाया हुआ है। थोड़ा सा बताओ, ये टेंस लगाया हुआ? हाँ। कितने टाइम का है ये? 15 मिनट्स का लगाया हुआ है अपन। अच्छा, अच्छा माता जी आपको पैरों में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, पैरों में, ये पिंडलियों में या घुटनों में?
इनके क्या है कि स्लिप डिस्क का इशू है, PIVD जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ से कमर में नस दब के दोनों पैरों में जाती है, तो उनके पैरों में भी रेडिएट कर रहा है और लोकलाइज कमर में भी दर्द कर रहा है। तो अपन यहाँ पे भी टेंस यूज़ कर रहे हैं पेन रिलीविंग के लिए और रेडिएशन के लिए भी टेंस यूज़ कर रहे हैं। माता जी से बातें हुई, माता जी कह रही थी मुझे बहुत आराम मिला। आपको कितने दिन हो गए इधर? आज थर्ड डे है इनको। थर्ड डे में कितना आराम मिला आपको? बहुत आराम मिला। मतलब कितना? थोड़ा कम कर। 100 रुपए 100 पैसे में कितना पे आराम मिला? मतलब 50 रुपए 3 दिन में। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। ये अपना CPM मशीन है जो कि जो पेशेंट उठने को मोड़ने में प्रॉब्लम होती है उनको लिए अपन ये CPM मशीन यूज करते हैं ताकि उनका नी रिहैब हो सके। ये अल्ट्रासाउंड है अपना, ठीक है, इसमें अपन कपिंग थेरेपी भी करते हैं, वैक्स बाथ भी करते हैं, निडलिंग भी करते हैं, अपन मसल स्टिमुलेटर भी यूज करते हैं। अगर जो ज्यादा पेन होता है उसके लिए आप क्या करते हैं? ज़्यादा पेन होता है तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अपने को क्या है। अगर कपिंग की ज़रूरत होती है मैं कपिंग करता हूँ, अगर ट्रिगर पॉइंट है तो मैं निडलिंग भी कर देता हूँ, किसी का जॉइंट स्टिफ है तो वेक्स भी करता हूँ, ठीक है। और मसल स्टिमुलेटर जैसे पैरालिटिक पेशेंट केस में पैरालिसिस है ये, तो उसके लिए अपन ये यूज़ करते हैं, और लोकलाइज पेन हो तो उसके लिए अपन अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। अच्छा, आपके एक जो रोलर है वो भी दिखाइए। हमने ये ट्रैक्शन मशीन अपन ने लगा रखी है, सर्वाइकल और लंबर दोनों के लिए काम आती है, सर्वाइकल और लंबर ट्रैक्शन। ये क्या करती है? ये ट्रैक्शन है जो कंप्रेशन हो जाता है, डीकंप्रेशन है ना, उसको रिलीज करने के काम आता है, जैसे गर्दन में नस फंसते उसको अपन रिड्यूस करना चाहते हैं ट्रैक्शन लगा के। कितने टाइम का लगाते हैं? ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, इस पे वेट का भी डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना किलो का है, उस अकॉर्डिंग अपन इसमें वेट सेट करेंगे। अगर सर्वाइकल का पेशेंट है तो उसमें लगभग 7 से 8वां हिस्सा लगाएंगे, और कमर का पेशेंट आ गया तो 3rd हिस्सा लगा देंगे। जैसे 100 किलो का पेशेंट है तो उसको अपन लगभग 30 किलो तक का इसमें वेट लगा देंगे। तो ये कमर की बात हो रही है ना। दोनों पे भरोसा है, बट मेरे को मेरी मैनुअल स्किल पे ज्यादा भरोसा है, मशीनों से ज्यादा। आपकी जो एक्सरसाइज है वे सबसे अच्छी लगती है। अब ये चीज तो कंक्लूजन तो आप निकाल के मेरे को बताएंगे कि मेरे को तो शायद आप 4 या 5 साल से जानते हैं, ठीक है, तो अब आप बताओ मैं मैनुअल ज्यादा करता हूँ या फिर मॉडलिटीज ज्यादा करता हूँ? मुझे तो बहुत आराम मिलता है, जो आप एक्सरसाइज कराते हैं उसी से मुझे आराम मिल जाता है, उसी पे मुझे विश्वास है। नहीं, वो तो जी, तो आप जो एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा आप मेरा करके दिखाइए।